दोस्तों नमस्कार। आज छुट्टी है जैसा आप देख रहे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं हम लोग। और तो छुट्टी का दिन यानी देर तक सोने का दिन, चाय पीने का दिन, कुछ बचे हुए काम करने का दिन, यार दोस्तों से मिलने का दिन, उस पे मेरे कुछ एहसास मैं आप लोगों से साझा करता हूँ अपनी इस गज़ल के माध्यम से, जिसका शीर्षक है छुट्टी का एहसास। मैं आप सुनिए, आप समझ जाएंगे, शायद आपकी भी यही आबिती हो। छुट्टी के दिन छुट्टी का एहसास करा दो, छुट्टी के दिन छुट्टी का एहसास करा दो, बैठो सिरहाने दिन में भी चांद दिखा दो। आप समझ गए होंगे ये विनती मैं किससे कर रहा हूं। छुट्टी के दिन छुट्टी का एहसास करा दो, बैठो सिरहाने दिन में भी चांद दिखा दो। दिन चढ़ आया लेकिन नींद अभी बाकी है, दिन चढ़ आया लेकिन नींद अभी बाकी है, तुलसी अदरक वाली मीठी चाय पिला दो, तुलसी अदरक वाली मीठी चाय पिला दो। फोन जरा रख दो बाजू में कुछ पल भर को। आजकल तो हर आदमी फोन लेके ही घूमता है, घर में बाहर हर जगह ना। फोन जरा रख दो बाजू में कुछ पल भर को, मेरी भी सुन लो अपनी भी मुझे सुना दो, मेरी भी सुन लो अपनी भी मुझे सुना दो। और एक तो ये व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स आते हैं बहुत समय भी बर्बाद करते हैं और बड़ी अनसॉलिसिटेड चीज़ें आती हैं उसमें, तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, व्हाट्सएप वाले फॉरवर्ड्स छोड़ो सब बासी हैं, व्हाट्सएप वाले फॉरवर्ड्स छोड़ो सब बासी हैं, दिल के एहसासों को बोलो गीत सजा दो, दिल के एहसासों को बोलो गीत सजा दो। और कुछ मित्रों को मैंने दावत पर है बुलाया, कुछ मित्रों को मैंने दावत पर है बुलाया, प्लीज जरा जल्दी से कुछ पकवान बना दो, प्लीज जरा जल्दी से कुछ पकवान बना दो, छुट्टी के दिन छुट्टी का एहसास करा दो, छुट्टी के दिन छुट्टी का एहसास करा दो। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।